हेलो डी एस स्टूडेंट्स एडियो डेप बाई नेहरा सर वेलकम्स यू ऑल टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउन्स सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नाउन्स फर्स्ट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड आई मीन टू से जब हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान विचार आदि को कोई नाम दे देते हैं तो वही नेमिंग वर्ड कहलाता है और वही अपना नाउन रहेगा सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश ग्रैमर There are five types of nouns in English grammar. First of all, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. Or fifth, abstract noun. So let's clear all these nouns with some examples. So look at the first sentence Ram, who lives in New Delhi, India. सो वैन वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन जैसे अपना नाम जो है वो प्रॉपर नाउन रहेगा प्रॉपर नाउन की स्पेशलिटी ये रहती है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा तो राम अपना क्या हो जाता है प्रॉपर नाउन रहेगा याद रखिएगा प्रॉपर नाउन चाहे हम किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी यूज़ करें अपना फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा जैसे न्यू डेली का एन और एन और डी अपना कैपिटल है तो ये प्रॉपर नाउन है उसी तरीके से इंडिया का आई कैपिटल है तो ये भी अपना प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन पी एन से मैं डिनोट कर रहा हूँ तो ये अपना प्रॉपर नाउन है और ये भी प्रॉपर नाउन है और एक और बात और बता देता हूँ प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट क्लास क्लास जो है वो अपनी एक कॉमन नाउन रहेगी और कॉमन नाउन के साथ साथ में ये कलेक्टिव नाउन भी रहेगी क्योंकि हम किसी भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्लास बोल सकते हैं और उसी के साथ साथ ये कलेक्टिव नाउन भी होगी उसी तरीके से स्कूल जो है ये अपना कॉमन नाउन भी होगा और कलेक्टिव नाउन भी होगा कॉमन नाउन यानी जब हम किसी एक ग्रुप में से एक विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उसको कॉमन नाउन बोलते हैं और जब हम उस पूरे ग्रुप को कोई नाम दे देते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं तो क्लास जो है अपना कलेक्टिव नाउन भी होगा और कॉमन नाउन भी होगा स्कूल अपना कलेक्टिव नाउन भी होगा और कॉमन नाउन भी होगा और मछलियों के झुंड को भी हम स्कूल बोलते हैं उसी तरीके से स्कूल के अंदर बच्चे भी होते हैं ज फुलटी यानी दयालुता अगर हमें किसी भी वर्ड के लास्ट में टी वाई देखने को मिले तो वो अपना एब नाउन होगा यानी जेनरोसिटी के अंदर क्या है नाउन है और विजडम भी अपना क्या है नाउन है यानी भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है हालांकि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं लेट्स टॉक अबाउट बेंच बेंच अपना कॉमन नाउन है क्योंकि सारी एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को हम बेंच बोल सकते हैं इसके साथ आर्टिकल का यूज होता है और वुड जो है वो अपना मेटीरियल नाउन है उसी तरीके से आयरन भी अपना मेटीरियल नाउन है सो दैट्स इट हमने देखिए सारी अपनी नाउंस को क्लियर कर लिया है और अगर आप नाउंस की डेफिनेशन को जानना चाहते हैं तो इस पार्ट को जरूर स्टडी कर लीजिएगा प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति स्थान वस्तु या जानवर के बारे में बात करते हैं उसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं कॉमन नाउन जो है अगर आप देखो तो एक समूह में से जब हम कॉमन किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई नाम दे देते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है कलेक्टिव नाउन एक तरह की वस्तुओं या व्यक्तियों को हम जब कोई नाम दे देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होगा मेटेरियल नाउन यानी जिससे कोई अपनी चीज़ें बनी हुई होती है वो मेटेरियल नाउन होता है एब्सटेक्ट नाउन के अंदर हम क्वालिटीज अवस्था या फिर कार्य को बताते हैं जिसको ना हम छू सकते हैं और ना देख सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट ना उनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्लास अपने चैनल पर रहने वाली है थैंक यू वेरी मच